नमस्कार, मैं उस्मान सिगोनी और आप देख रहे हैं JKCNN न्यूज। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखाऊंगी कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का दौर जो आने वाला, इलेक्शन जो वो होने वाली, उससे पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से एक से एक नेता जो है वो छोड़ते जा रही है, पहले जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जी ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो काफी बड़ा झटका जो है कांग्रेस पार्टी को मिला था। उसके बाद जो है एक नेता करके छोड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग, जो गुलाम नबी आजाद जी वो जुड़ रहे थे। उसके बाद अब जो है वो योगेश सानी जी जो MLA रह चुके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के अर्बन एरिया में, और अब जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो छोड़ दी गई है। एक और बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा जो है वो वादे और दावे करती है कि हम जो है आपकी बात 50 की बार, शायद अब लगता है कि आपकी बात 50 की बार जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वो एक से एक नेता जो है वो जुड़ते जा रहे हैं उसमें और कांग्रेस पार्टी में निकलते जा रहे हैं। वही बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ भी जो है एक से एक नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे थे, उसके बाद जो है बीजेपी ही ज्वाइन कर रहे थे। आखिरकार बीजेपी में ऐसा क्यों है, क्या है जो सभी नेता जो है बीजेपी में जा रहे हैं, क्या जो जम्मू कश्मीर की एक ही पार्टी रहेगी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सभी निकलते जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में दो बड़े नाम आते थे, जिस तरह से रमन बल्ला जी और दूसरा नाम था योगेश सानी जी का, और अब जो है योगेश सानी जी दिया गया है, क्या रमन बल्ला जी को अकेले कांग्रेस पार्टी को? देखना ये होगा कि आने वाले समय में योगेश सानी जी कौन सी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। बड़ी खबर तो तब होगी जब वो बीजेपी में चले जाएंगे। अब क्या पता बीजेपी जाएंगे कि नहीं, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, आने वाले समय में ये नहीं होगा कौन सी पार्टी जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो है बड़ा धक्का मिला है। क्या कुछ उनका रिएक्शन होगा उसके बाद, वो तो देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अब तक की अपडेट हम आपको साझा करने की कोशिश कर रहे थे। जनता में राय कमेंट बॉक्स से जरूर रखें कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से चलेगी, किस तरह से नहीं, जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स से जरूर रखें। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहे, देखते रहे JKCNN न्यूज़। मुझे बड़की सुनारी से बहुत रखो दीजिए इजाजत, धन्यवाद।